मोदी एक बाप का फर्ज अदा किए है और योगी एक भाई का फर्ज अदा किए है, इसीलिए हमको मोदी और योगी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। एक बाप की तरह वो फर्ज निभा रहे हैं और एक भाई की तरह वो फर्ज निभा रहे हैं। योगी मोदी ही हमें चाहिए और कोई नहीं चाहिए। आप लोग से यही प्रार्थना, और हमको कोई संसार में चाहिए वो, क्योंकि हमारे राम भक्त को राम जी को लेकर आए हैं, पूरी दुनिया उनके लिए लड़ रहा था, आज वो हम लोगों को उनको दर्शन मिला है, आज तक कोई नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। बुलडोजर किसके लिए? माफिया के लिए। बुलडोजर किसके लिए? माफिया के लिए। योगी का बुलडोजर? माफिया के लिए। माफिया के लिए। हम किसी को नहीं जान रहे, राहुल गांधी नहीं, हम नरेंद्र मोदी को चाहेंगे और मोदी जी के योगी जी को चाहेंगे और मिश्रा जी को चाहेंगे, क्योंकि हमारे मोहल्ले के रहने वाले हैं, सारे बातें जितना दुख सुख होगा उतना सारे उनसे हम कहेंगे, और किसी से कहने जाएंगे तो कोई सुनवाई मेरा नहीं करेगा, तो हम कभी भी चाहेंगे कि विजय मिश्रा जी हमारे गांव में आए जी, और मोदी मोदी भी चाहेंगे, मोदी चाहिए। हाँ, मोदी हमको इसलिए चाहिए कि हम रात बिरात चलते हैं, शहर में चलते हैं, कोई छेड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। 24 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेतागण भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस चुनाव का प्रचंड आरंभ कर दिया, इस चुनाव का शुरुआत कर दिया, लेकिन मैं पश्चिम नहीं, इस बार पूर्वांचल की धरती पर हूं, और पूर्वांचल वही पूर्वांचल जो कभी बाहुबलियों के नाम से जाना जाता था, कभी माफिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं पूर्वांचल की स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। पूर्वांचल में इस चुनाव पर आखिर जनता क्या सोच रही है, खासकर वो बहनें जिन बहनों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी मंच से बात करते हैं, जिन बहनों के बारे में योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, जिन बहनों के बारे में राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं, प्रियंका दीदी भी आई थी और मायावती जी भी, जिन बहनों की चर्चा कर रही हैं, यानी कि देश की आधी आबादी और खासकर पूर्वांचल की महिलाएं अब की बार इस चुनाव पर क्या सोच रही हैं, क्या उनको बदला हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ बहनें हैं, सीधा बहनों से बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? मीरा वर्मा। मीरा जी, इस पूर्वांचल में क्या बदला? बहुत कुछ बदल गया, स्टेशन बदल गया, रोड बदल गई, बिजली बदल गया, सब कुछ बदल गया, जिंदगी बदल गई एक तरह से। जिंदगी बदल गई? हाँ, जिंदगी बदल गई। तो ये बदलाव कैसे हो पाया पूर्वांचल की महिलाओं के जीवन में? नरेंद्र मोदी साहब के जरिए ओनली सर, आदित्य योगी के जरिए। नरेंद्र मोदी के जरिए आगे आदित्य योगी के जरिए? हाँ, बहुत जिंदगी बदल गया, बहुत से समझ बदल गया है। तो अब की बार चुनाव में क्या मन बनाई हो दीदी? नरेंद्र मोदी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बस हाँ, जिंदाबाद। ऐसा क्यों नजर आ रहा कि नरेंद्र मोदी जीतेंगे? क्यों नहीं भाई, इतना सब कुछ हुआ, बहुत सारा सा काम हुआ। हाँ। जिंदगी में बहुत सारा, दुनिया बढ़ गई आगे। हाँ। हर एक चीज चुनौती चुनौती मार काट सब बंद हो गया, गुंडागर्दी माफियागर्दी बाहुबली सब बंद हो गया, गए सब लोग, अब मालूम नहीं कहाँ गए, अपने अपने जगह पर स्थान पर कर लिए भाई। अच्छा। डर के मारे कोई आ भी नहीं रहा सामने, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। अच्छा। मेरे दिन दहाड़े चुनौती हो रही थी, गीता नाम के पंडित की दिन दहाड़े छिनाई तू, कान को झुमका छीन के लेकर चले गए। हाँ। अच्छा, लेकिन अब दीदी कोई छिनैती नहीं कर रहा, कुंडल उंडल कोई नहीं छीन रहा? नहीं, कोई नहीं छीन रहा है, कोई नहीं छीन रहा है। हम लोग छठ पूजा के दिन एक लोग यही छिनैती हो गई, महामजीरा हम लोग मार्केट में निकल रहे, कोई जरूरत नहीं है किसी का, सपोर्ट कोई जरूरत नहीं है। अब नहीं डर लग रहा है? नहीं डर लग रहा है। कहीं भी चले जाओ। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत महंगाई कर दी है, सिलेंडर महंगा हो गया है, बेरोजगारी हो गई, काम नहीं मिल रहा है, अब की बार मोदी को हटावा किसी और को बना दो प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, नहीं नहीं, सब काम चल रहा है, सबका काम चल रहा है, कितना सोना महंगा हो जाए सबका काम चल रहा है। अच्छा, मोदी को जाएंगे? हाँ, एकदम जिताएंगे मोदी को। अरे 15 से हो गया, 65-70 रुपया चल ही नहीं रहा है, सब यहाँ तक पहन ही नहीं रहा है। अच्छा। सब चलेगा, सोना कितना महंगा हो जाए पहनेगा आदमी। हाँ। छोड़ेगा नहीं, मोदी को हटाओ तो सोना सस्ता है। किसका खाना बंद हुआ है, किसी का नहीं बंद हुआ है। हाँ। सब चल रहा है, चाहे 1100 हो चाहे 1500 हो। लेकिन जो गठबंधन वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम सिलेंडर भी सस्ता करेंगे, सोने को भी सस्ता करेंगे, सब चीज में महंगाई भी कम कर देंगे। कहने वाली बात है राहुल भैया, अभी तो है चल रहा है ना भाई, नरेंद्र भैया योगी भैया चला तो रहे हैं इस समय।
वो कहने वाली बात है कि सस्ता कर देंगे, सस्ता कर देंगे। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं। सब लोग जीत करके वही काम करेंगे, सब लोग जीत करके वही काम करेंगे। हम लोगों को नरेंद्र मोदी चाहिए तो चाहिए, गाजीपुर से विजय मिश्रा भी हम लोगों को चाहिए, नेता हम लोगों का विजय मिश्रा होना चाहिए। गाजीपुर में तो आप जाल अंसारी लड़ रहे हैं। नहीं, हम लोगों का विजय मिश्रा चाहिए। विजय मिश्रा? हाँ, विजय मिश्रा। हम लोगों का, हम लोग देखे भी नहीं है। हम लोग को सड़क मिल गया, लाइट मिल गया, बिजली सब कुछ हम लोगों को सुविधा मिला है। हम लोगों को विजय मिश्रा चाहिए। तो विजय मिश्रा तो पहले मंत्री रहे थे, कुछ किए तुहार लोगों का? काहे न काहे, हम लोगों का तिरित कराए, हम लोगों का सब कुछ किए, हम लोग जो कर दिए महाकाल घुमा दिए। बहुत दूर दूर तक हम लोग गए, बहुत दूर तक ले हम लोग गए, समझ लीजिए कि राजा जाल अंसारी कह रहे। जानते हो आप जाल अंसारी को? हाँ, जानते हैं। कह रहे हैं कि अब की बार कोई टिक नहीं पाएगा उनके सामने। अच्छा, अब तो सामने ही आ रहा है ना। हाँ, अब तो सामने आ रहा है कौन वो अफजल अंसारी जीत रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भाई साहब जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ। मैंने वोट उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, हम लोग अफजल अंसारी को नहीं देते है ना, जानते हैं भैया। क्या कहेंगे, क्यों चाहिए विजय मिश्रा ही क्यों चाहिए, और भी तो लोग होंगे नेता भाजपा के। लोगों को गाजीपुर से विजय मिश्रा चाहिए, हम लोग को बहुत कुछ है। हम लोग का जो अरज गरज उनसे हम लोग जाकर कह रहे थे, हम लोगों का प्रस्ताव रख रहे थे, हम लोगों को तीरत बरत करा रहे थे, हम लोगों को यही चाहिए। और क्या औरतों को लोग को चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि चुनाव में सब कुछ सिखा दिए तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं, यह सब सिखाने वाली बात नहीं है। ये आप बोल रहे हैं, विजय मिश्रा नहीं बोल रहे हैं। वही है। हाँ, वही हम लोगों को चाहिए। गाजीपुर से विजय मिश्रा चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। नरेंद्र मोदी? हाँ हाँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कह रही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उन्हीं को चाहिए, हम लोग को उन्हीं को चाहिए। क्यों, क्या बदल दिया मोदी ने बहनों की जिंदगी में? आपकी तो काफी उम्र भी है। हर एक चीज बदले है, बहुत कुछ, हर एक चीज कर दिए, हर एक चीज कर दिए है। उन्हीं को आना चाहिए, वो आएंगे तो मुमकिन रहेगा। हाँ, लेकिन दीदी एक बात बताओ, विश्वास नहीं हो रहा है ये इंडी गठबंधन पर? विश्वास नहीं हो पा रहा है? नहीं होगा, हो रहा है, हो रहा है। इधर आइए। मोदी एक बाप का फर्ज अदा किए हैं और योगी एक भाई का फर्ज अदा किए हैं, इसीलिए हमको मोदी और योगी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। एक बाप की तरह वो फर्ज निभा रहे हैं और एक भाई की तरह वो फर्ज निभा रहे हैं। योगी मोदी ही हमें चाहिए और कोई नहीं चाहिए। आप लोग से यही प्रार्थना, और हमको कोई संसार में चाहिए वो, क्योंकि हमारे राम भक्त है को, राम जी को लेकर आए हैं। पूरी दुनिया उनके लिए लड़ रहा था, आज वो हम लोगों को उनको दर्शन मिला है। आज तक कोई नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। हमको योगी चाहिए, मोदी चाहिए। यानी पूर्वांचल में आपकी इधर आइए, राजनीति बदल जाएगी। हाँ, बदल जाएगी। हम लोग को वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हम सब बहने उन्हीं को चाहते हैं, योगी मोदी को, और किसी को नहीं चाहते। बस हमारे लिए वही सब कुछ है। बहनों की जिंदगी बदल दी क्या? हाँ, बहुत बदल दिए हैं। शान से जीते हैं, शान से जीते हम लोग। अच्छा, योगी मोदी के राज में हम लोग शान से जीते हैं। शान से जी रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। पहले इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। पहले क्या क्या था बहनों के जीवन में? जानते थे पहले? कुछ नहीं जानते थे, आज सब कुछ जान रहे हैं। पहले औरतें नहीं आगे थी, मगर आज हम सब आगे हैं और कोई आगे नहीं है। आज उन्हीं के वो बाप हैं हमारे, मोदी और योगी हमारे भाई हैं। वो आज उनके वजह से हम लोग हर जगह पिता हैं, योगी भाई हैं। जी हाँ। क्या बोल रही है मोदी हमारे बाप हैं, योगी हमारे भाई हैं। कम से कम लड़कियां तो इज्जत बच रही है, कम से कम सारे सब लोग निकल तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, बहु बेटियां चल तो रही हैं। कम से कम महिलाओं का तो कोई है इज्जत? पहले इज्जत नहीं थी। जेंट्स भी डरते हैं आज महिलाओं से। जेंट्स भी डर रहे हैं महिलाओं से, चाहे कोई भी रहे वो। हाँ, ये तो है। क्या बदल गया इस पूर्वांचल में, क्या बदला जरा बताओ? बदलाव आवास भी बदला है, आवास भी हर लोग एक तरह से रह रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। हमें भी आवास मिला है। आपको भी आवास? हाँ हाँ, आवास का पैसा। जब आवास नहीं था, जब बारिश होती थी, तो कैसे रहती थी बच्चों को लेकर? अरे ठीक है, ठीक जैसे था, गरीबी चल रहा था, अब सही है, चल रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी बहुत महंगाई करते हैं। अरे महंगाई है तो चलिए ठीक है, एक तरह से चल रहा है ना महंगाई, जो चल सब लोग कर रहा है, सब लोग चल रहा है, सब मेहनत से काम आ रहे। कम से कम लड़कियों को नौकरी, कोई भी काम कर रही है ना लड़कियाँ, औरतें कर रही है। बहनों के लिए भय नहीं है? भय नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि इधर जाओ कोई डर है, उधर जाओ कोई डर है, कोई डर नहीं है, डर है ही नहीं, डर खत्म कर दिए।
डर खत्म पूर्वांचल की। योगी जी ने सबका डर खत्म कर दिया। योगी जी तो बुलडोजर भेज दे। अरे वो उससे क्या बुलडोजर हम लोगों के लिए नहीं है, जिसके लिए उसके लिए है, वो माफियों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है, वो हम लोगों के लिए सही है। बुलडोजर किसके लिए? माफिया के लिए। बुलडोजर किसके लिए? माफिया के लिए। योगी का बुलडोजर माफिया के लिए। माफिया के लिए। माफिया के लिए। पूर्वांचल में तो बहुत माफिया गिरती चलती थी, बाहुबली खत्म हो गई। खत्म हो गई। कहाँ गए सब? अपने स्थान दलिए, सब अपना स्थान दलिए। यानी अब की बार यहाँ से पक्की बात है, कमल का फूल खिलेगा क्या पूर्वांचल की गाजीपुर? खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। अब खत्म हो गया क्या मुख्तार अंसारी का? खत्म हो गया, खत्म मुख्तार का खौफ खत्म। खत्म गए, लार्जर सब खत्म हो गया। डर खत्म? हाँ डर खत्म, लार्जर खत्म। अच्छा? हाँ एकदम लार्जर खत्म। अच्छा? हाँ तुम बताओ, ये सब झूठ बोल रही है, मोदी मोदी कर रही है। हाँ तो हम मिश्रा जी हम लोग तीर्थ यात्रा कर आए हैं, लॉकडाउन में खाना गरीबों को बटवाए हैं, हम उनको सिखाई दी है। हाँ तो हम कह रहे हैं कि उन्हीं को देंगे, मोदी जी को, मोदी जी को तक। हाँ मोदी जी को देता है। हाँ बस मोदी चाहिए। हाँ नरेंद्र मोदी को चाहिए। इस जगह पर कौन टक्कर लेगा आप जाल अंसारी की? मोदी जी लेंगे। मोदी जी। विजय मिश्रा ले पाएंगे टक्कर? विजय मिश्रा लेंगे। विजय मिश्रा ले पाएंगे? लेंगे, गाजीपुर से लेंगे। जाल अंसारी कह रहे कोई आ जाए हरा के भेजूंगा। हम लोग देंगे, विजय मिश्रा को देंगे, हम लोग विजय मिश्रा को जिताएंगे। किसी के साथ हैं? हाँ बाने सभी बानो साथ हैं। कुछ किए हैं, बहुत किए हैं, बहुत कुछ किए। हॉस्पिटल बनवाए हैं गरीबों के लिए, हॉस्पिटल बनवाए हैं, पावर हाउस बनवाए हैं, और रथ यात्रा किए। हाँ रथ यात्रा किए हैं, तीर्थ यात्रा करा दिए, बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, पावर हाउस। एक बात बताइए, सब विजय मिश्रा जी बोल रही हैं, मोदी जी बोल रही हैं, कोई राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अफजल अंसारी काहे नहीं बोल रहा है? हम किसी को नहीं जान रहे हैं। राहुल गांधी नहीं, हम नरेंद्र मोदी को चाहेंगे और मोदी जी के योगी जी को चाहेंगे और मिश्रा जी को चाहेंगे, क्योंकि हमारे मोहल्ले के रहने वाले हैं। सारे बातें जितना दुख सुख होगा उतना सारे उनसे हम कहेंगे, और किसी से कहने जाएंगे तो कोई सुनवाई मेरा नहीं करेगा। तो हम कभी भी चाहेंगे कि विजय मिश्रा जी हमारे गांव में आए जी, और मोदी मोदी भी चाहेंगे। मोदी चाहिए? हाँ मोदी हमको इसलिए चाहिए कि हम रात बिरात चलते हैं, शहर में चलते हैं, कोई छेड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। छेड़ने वाले कहाँ चले गए? बहनों को जो छेड़ता था वो कहाँ है? जहाँ के तहाँ चले गए, जहाँ के तहाँ चले गए। छेड़ने वाले, छेड़ने वाले कहाँ गए? योगी भाई खड़े हैं, मोदी पिता खड़े हैं, बहनों का पल्लू की आज खड़े हैं, जो बहनों की तरफ फपती है, किसी का हिम्मत नहीं है। आज हमारे भाई खड़े हैं। कौन भाई खड़े? योगी भाई खड़े हैं, मोदी पिता खड़े हैं, किसी का हिम्मत नहीं है खड़े होने का। हम उनकी बहने हैं, हम लोग 404 हैं, 404 हैं। अगर कोई छेड़ेगा तो क्या होगा? उसको डालेंगे। योगी भाई खड़े हैं, योगी भाई खड़े हैं, बिल्कुल बुलडोजर खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। चलिए देख सकते हैं महिलाएं बहुत यहाँ पर एकत्रित हैं, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? मोदी भाई जीतेंगे, मोदी भाई जीतेंगे, वो ही जीतेंगे भाई, जीतेंगे। योगी भाई बदल दिया मोदी ने, मोदी ने सब कुछ बदल दिए हैं। स्टेशन बनवा दिए हैं, रोड बनवा दिए हैं, ट्रेन निकलवा दिए हैं, सब हम लोग को सुविधा दिए हैं। अयोध्या राम मंदिर बनवा दिए हैं, राम मंदिर बनवाए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। खुश हो? हाँ मोदी बनवाए हैं राम मंदिर पे, खुश हो? योगी भैया बनवाए हैं राम मंदिर पे, खुश है। अखिलेश भैया, राहुल भैया, ममता दीदी, मायावती चले गए, वो सब कुछ नहीं है, योगी भैया है, योगी भैया, योगी भैया है, योगी भैया बोल रही है, योगी भैया। क्या कहेंगे? बन के बताइए, घर बनवाए मोदी, अनाज दिए मोदी, और इतना सब उठे हैं, कुछ हद तक किए नहीं ना, जो भी किए मोदी किए। फूल खिलेगा? खिलेगा, अभी खिला रहेगा, फूल खिलेगा, खिलेगा, खिला है, खिलेगा, खिला है, 5 साल से फिर भी खिलेगा। की बार फूल को मुरझा देगा? नहीं नहीं, खिलेगा, फूल को हटा दो, नहीं नहीं नहीं,
ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। राहुल गांधी कह रहे मोदी को नहीं नहीं खिलेंगे तो भाई खिलेंगे, कमल का फूल खिलेगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे मोदी को हरा दो। नहीं मोदी भैया जेल में है, वो तो खुद जेल में है। मोदी जी डर गए इनको जेल में हरवाएंगे। मोदी को लियाना है, मोदी को जिताना है, योगी को। अरविंद केजरीवाल से मोदी डर गए? नहीं डर रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं है डरने का। वो डरेंगे किसी से? वो उनको उनसे कोई नहीं डरेगा तो वो किसी से नहीं डरेंगे। कह रहे केजरीवाल अच्छे नेता थे, मोदी ने जेल करवा दिया। नहीं नहीं नहीं, वो अपने करने से जेल हुआ, जैसा करेगा वैसा भरेगा। उनकी पत्नी कह रही है कि मोदी डर गए थे सब नेताओं को जेल भिजवा। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं डरा है उनसे, कोई डरेगा? कोई नहीं डरा है। मोदी डरने वाले नहीं है? नहीं नहीं, डरने वाला है ही नहीं है। मोदी डरवाते हैं, डरने वाले नहीं है। क्यों डरेंगे? अब डरेंगे। फूल खिला था खिलेगा। नहीं डरे हैं तो डरेंगे। पहले नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? सब गठबंधन बन गया है। कुछ नहीं, वो नहीं, मोदी जीतेंगे। मोदिया मोदी जीतेंगे, जीतेंगे। यहाँ से जिताओगी गाजीपुर से? पक्का जिताएंगे। पूर्वांचल में बदल गया माहौल, एकदम माहौल। जीतेंगे मेरे मिश्रा जी, जीतेंगे क्या पूर्वांचल में बहनों? माहौल जिंदाबाद मोदी योगी, जिंदाबाद मोदी योगी, जिंदाबाद मोदी योगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बस जिंदाबाद। तो देख सकते हैं आप, ये पूरा मोहल्ला है और मोहल्ले में हेडलाइंस इंडिया की टीम है। पूर्वांचल का क्या माहौल बदल गया है, यही जानने हेडलाइंस इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर घूम रही है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर राय जरूर रखिए। हालांकि इस पूर्वांचल के इस गाजीपुर से कहीं ना कहीं 2019 में अफजाल अंसारी सांसद बनकर गए थे, लेकिन अब की बार बहने किसके साथ हैं और क्या मुख्तार के जाने के बाद, मुख्तार अंसारी के जाने के बाद, उनके जाने के बाद यहां का माहौल क्या कह रहा है, यही पूर्वांचल की जनता की राय आपको दिखाने की कोशिश है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के गाजीपुर से।